लोक अदालत के सिलसिले में आज मीटिंग हुई है सर, क्या मीटिंग हुई है, क्या प्रचार प्रसार के लिए और प्रशासनिक कार्य चल रहा है सर? आज दिनांक 10/1/2020 को सभी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के यहां एक मीटिंग आहूत की गई। उस मीटिंग में इंश्योरेंस कंपनियां, न्यू इंडिया कंपनी, रिलायंस कंपनी, ओरिएंट कंपनी, इफ्को टोक्यो कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी, ये सारे इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि अपने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए, जिनके साथ खासकर मोटर व्हीकल दवा क्लेम के जो केसेस हैं उनमें पीड़ितों को इंश्योरेंस से संबंधित पैसा देने के लिए विषय वस्तु पर विस्तार से चर्चा किया गया। हमारे डीएलएसए के संबंधित कर्मचारी रमेश कुमार ने एक हर कोर्ट से उनसे संबंधित केसेस का ब्यौरा मांगा था, जिसमें न्यू इंडिया कंपनी के 50 केस थे, रिलायंस के 36 केस थे, इफ्को टोक्यो के 20 केस हैं और बजाज एलायंस के कम से कम 25 केस हैं। इन सारे केसेस की सूची सभी को दी गई और कही गई इन केसेस को कोर्ट में जाकर देखें, यदि कोई त्रुटियां त्रुटियां दूर करकर इन्हें व्यापक स्तर से निष्पादन कराएं। दिनांक 8/2/2020 को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभान्वितों को लाभ पहुंचाएं। सर इसमें आज फटकार भी लगाई गई बीमा कंपनियों को, उनके अधिकारियों को काम में शिथिलता की बात। हाँ, कुछ बीमा कंपनी के काम में काफी शिथिलता पाई गई, उदासीनता पाई गई, इसको लेकर आज अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के द्वारा थोड़ी सी उन्हें डांटा भी गया और कहा गया कि नहीं, आप लोग थोड़ा अग्रणी भूमिका निभाएं और लाभार्थियों को बढ़ चढ़ कर लाभ दिलाने का प्रयास करें। हम लोग जितने पीड़ित पक्षकार उसको नोटिस करने जा रहे हैं और नोटिस के साथ ही उन्हें बुलाएंगे और सभी को बैठा कर एक दूसरे के बीच बैठा कर सेटलमेंट करवाएंगे।